नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के कि स्कोर कार्ड को लेकर कि उनके स्कोर कितना गया है। क्योंकि देखिए, ये जो आप लोग के अभी स्कोर आया है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, यानी नॉर्मलाइज स्कोर पर जो है आप लोग की कट ऑफ बनी है। और नॉर्मलाइज स्कोर जो है आप लोग का इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो ऐसा है कि आप लोगों के मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, उसके लिए आप लोगों का डाउट है। फिर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन पे ही आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो आप लोगों के लिए नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी देखिए, आप लोगों की जो कट ऑफ गई है, आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों की स्टेट की कट ऑफ 53 गई है या फिर 120 गई है। क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ का काफ़ी अंतर है, काफ़ी जगह जो है 128 पर तक भी कट ऑफ बनी है, और कहीं पर जो कट ऑफ है वो 42 नंबर पर भी कट ऑफ बनी है। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी थी, इस कारण से वेरिएशन तो देखने को मिलता ही। तो इस तरीके से वेरिएशन जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल में इस बार देखने को मिला है। अब आप लोगों के नॉर्मलाइज स्कोर पर जो है कट ऑफ बनाई गई है। नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो 27 तारीख को जारी किए जाएंगे, जैसा कि एसएससी ने जो है अपने नोटिस में बता दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 27 तारीख जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर स्कोर कार्ड शो करा दिए जाएंगे एसएससी की अफिशियल वेबसाइट पर। और 27 तारीख का अगर नोटिस दे दिया है, 27 से पहले कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोगों का स्कोर कार्ड जारी हो जाए। कोई यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बता भी रहा तो वो गलत है। 27 तारीख के बाद ही आप लोगों जो है स्कोर कार्ड पब्लिश किया जाएगा एसएससी की अफिशियल वेबसाइट पर, और उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर इतना है और आप लोग कट ऑफ से कितने ज़्यादा मार्क्स जो हैं स्कोर किए हुए हैं। तो आप लोगों को ये भी लग जाएगा कि आप लोग अगर मार्क्स 5+5 या +10 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन तक कोई नहीं रोक सकता। आप लोग 100% से और हो सकते हो अपने फाइनल सिलेक्शन को लेकर। तो ये कट ऑफ थी आप लोगों को बताने के लिए अपडेट की 27 तारीख से आप लोग जो है नॉर्मलाइज स्कोर हैं, जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे। एसएससी ने अपने नोटिस में बता दिया गया था रिजल्ट के टाइम पर ही, जो आप लोगों का स्कोर कार्ड है वो 27 अप्रैल से जारी किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहे।